ये बहराइच जिले की मेन मार्केट है पीपल चौराहा। और आज हम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, दुकानदार हैं, इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सबसे बात करेंगे बुलडोजर को लेकर। जो बाबा का बुलडोजर है उसको ये किस नज़रिए से देखते हैं, हम एक एक करके सबसे बात करेंगे। इसमें बहुत सारे हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भी हैं, उनका क्या नज़रिया है, इस बुलडोजर को किस तरीके से वो देखते हैं। क्योंकि बाबा का बुलडोजर जब चलता है तो विद इन मिनटों में पूरा का पूरा आसियाना ढा जाता है, ख़त्म हो जाता है। लोगों की सोच क्या है, उसको किस नज़रिए से देखते हैं, हम एक एक करके बात करेंगे। हम शुरुआत यहाँ से करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश। मोहम्मद दानिश जी, बाबा का बुलडोजर तो आपने सुना ही होगा, अपराधी काफ़ते भी हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है उसमें बड़ा गरीबों का नुकसान भी हो जाता है, किस नज़रिए से इसको देखते हैं आप? कार्रवाई जो लोग गलत करते हैं उनकी कार्रवाई की जाए, लेकिन ऐसा नहीं कार्रवाई कोई करता है और फंस कोई और जाता है, नुकसान और लोगों का हो जाता है, गरीबों का परेशान होते हैं वो, तो ये थोड़ा गलत होता है। तो आप मुस्लिम समुदाय से हैं, आपका कहना है बुलडोजर जो चलता है वो अच्छा है, लेकिन जो उसमें गरीब पिस जाते हैं, गेहूं के साथ जो घुन पिस जाता है, ये गलत है। कुछ लोग और यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय कुमार लोहिया है। विजय जी हैं, हिंदू समुदाय से आते हैं, बुलडोजर को लेकर खास बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। विजय जी, इस जो बुलडोजर बाबा का है, क्या मानसिकता है आपकी इसको लेकर, जो एक्शन ये होता है? कई बार देखा जाता है उसमें बहुत सारे गरीब होते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं होता है, उसमें वो लोग भी पिस जाते हैं, किस नज़रिए से आप इसको लेते हैं? आमतौर से ये देखा जाता है जो मकान बन जाते हैं बगैर नक्शे बन जाते हैं, शरीर हमारा शहर जो है एक नक्शे के ऊपर सड़कें निकाली जाती हैं। अगर हाईवे पर कोई घर बना ले तो फिर शहर कैसे चलेगा? बीस सड़क पर घर बना ले पूरा शहर कैसे चलेगा? इसलिए बुलडोजर का ये बताइए, बीच सड़क पर जो रोड बना लेते हैं, ये भी तो जिम्मेदारी प्रशासन की होती है कि उसको वो देखे, उसको पास ना करे, या वो गलत हो तो उसके ऊपर एक्शन ले। क्योंकि एक्शन जो होता है 50 साल 60 साल, कई बार तो ऐसी नौबत आती है कि 100 साल से बने रहते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू विभाग में ये नियम है कि हाईवे पे कितना सड़क छोड़ना है, और हमारे जो है ये जो श्री मिश्र के यहाँ जो है ये भी नियम है कि कितना सड़क छोड़ रहा है तब घर बनाना है। आप भी सड़क पर घर नहीं बना सकते, और बनाएंगे तो आपको गिराएगा जाएगा। जो खाने वाला होता है वो चाहेगा कि हमको पेट भर मिल जाए, अगर उसकी जमीन एक बिस्वा तो सोचेगा हम थोड़ा आगे बढ़ जाएं, वहाँ पर हमको और गाड़ी पार्किंग का मिल जाए। तो कहीं ना कहीं क्या इसमें आप प्रशासन की गलती नहीं मानते हैं? प्रशासन को चाहिए कि गरीबों का भी ख्याल रखे, और अगर कोई कहीं गलत बना रहा है तो उसको समझाए कि भाई जमीन यहाँ गलत है, यहाँ ना ली जाए, तो बेचारा जो गरीब आदमी है वहाँ जमीन नहीं लेगा। इसमें प्रशासन की भी गलती है, जब कोई बना रहा तो उसको वो अभी हाल फिलहाल में मासी क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा हुई, उस हिंसे में एक आरोपी का घर है, 22 लोग जो उसमें नहीं शामिल थे उनको नोटिस मिली, इसको आप किस नजरिए से लेते? मेरा मानना है कि अगर हाईवे में 120 पे छोड़ा जाना ये पीडब्ल्यू में नियत है, पहले से नियत है, शायद अंग्रेजी को जमाने से, तो वहाँ पे जो 120 पे छोड़ के जितने भी घर है सब हटाए जाने चाहिए। इससे सड़क चौड़ीकरण होगी तो शहर का विकास होगा, कस्बे का विकास होगा, व्यापार बढ़ेगा। एक लाइन में बुलडोजर को लेकर क्या कहेंगे आप? बुलडोजर नीत अच्छी है, लेकिन वो जो है सिद्धांतों पर और नियमों पर चलेगी तो ये विजय जी हैं, इन्होंने बताया बुलडोजर नीति अच्छी है लेकिन सिद्धांतों पर चलना चाहिए। यहाँ पर एक साथी और हैं, वरिष्ठ हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम होगा सर आपका? ताहिर नाम है हमारा। ताहिर जी, बाबा का बुलडोजर तो किसी से छिपा नहीं है, यूपी में कहीं ना कहीं कोई जिला शायद ही ऐसा बचा हो जहां बुलडोजर गरजा ना हो, आप इसको किस नज़रिए से लेते हैं? देखिए, बुलडोजर न्याय कहा जाता है, ठीक है, लेकिन यहां कहीं ना कहीं अन्याय भी हो जाता है। तो अब जैसे कुछ गरीब हैं तबके भी होते हैं, कोई मान लीजिए क्रिमिनल है तो बिल्कुल उसका घर गिरा दूंगा, लेकिन नाबूद कर देना चाहिए, लेकिन उसके चक्कर में बहुत से निर्दोष लोग, ऐसे लोग जो निर्धन है बेचारे, कम रोज डेली कमा खा रहे हैं, वो भी उसके जद में आ जाते हैं। अब रही गई बात लीगल अनलीगल की, तो सही पूछिए तो आप पूरा भारत घूम लीजिए, हर चीज़ अनलीगल है, जहाँ आप खड़े हैं यहाँ भी अनलीगल है, ये दुकानें जो बनी है ये भी अनलीगल है, तो अनलीगल बहुत कुछ है, यहाँ लोग बनाए हुए हैं, रहते हैं, अपना अपना काम चला रहे हैं, ठीक है। और न्याय की बात अगर करें तो बुलडोजर न्याय कहीं से मान्य नहीं है, क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा कि ये न्याय नहीं है। न्याय का मतलब ये होता है ईमानदारी से हम न्याय करें। देखिए, जब बुलडोजर चलने की बात आती है तो योगी जी खुद नहीं आते हैं वहाँ पर मुआयना करने, ये जो रिपोर्ट दी जाती है स्थानीय जो अधिकारी होते हैं, प्रशासन होते हैं, इनके द्वारा दी जाती है, इसको किस तरह से लेते हैं? देखिए, ये खुद कुछ नहीं करते हैं, ऊपर से कुछ ना कुछ इनको इंस्ट्रक्शन होते हैं तब ये काम होता है। भाई, अभी अगर कोई दंगा वहाँ ना हुआ होता, आप सोचिए कि वहाँ कहीं कोई इस तरह की नोटिस नहीं जाती, ठीक है, वो तो हुआ
उसकी प्रक्रिया में ये सब हो रहा है और उसमें लोग फंसे हैं और कहीं से ये कार्रवाई रोकी भी गई है, अदालतों ने रोकी है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ गलतियां कुछ खामियां हैं। ठीक है, न्याय होना चाहिए न्याय के तरीके से। जैसे योगी हैं तो योगी को ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार का मतलब वो इंसाफ कर सके। अगर इनका घर गिर रहा है बीच में महीप सिंह का आ रहा है तो वह गिर जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से इंसाफ कहते हैं, तो योगी को इंसाफ पसंद होना चाहिए और अगर कोई क्रिमिनल है तो उसका घर गिरना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने कुछ नहीं किया है तो उसके साथ ही न्याय होना चाहिए। तो ये ताहिर जी थे, अपने शब्दों में इन्होंने बुलडोजर का जिक्र किया है, किस तरह कार्रवाई होनी चाहिए किस तरह नहीं होनी चाहिए। एक साथी और भी हैं बुलडोजर के लेकर, उनकी क्या राय है हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आप? महीप सिंह। महीप जी बताइए, बुलडोजर को लेकर अभी लोगों ने तरह तरह की बातें की, आपकी क्या सोच है? हमारी सोच तो बस यही है भैया कि जो क्रिमिनल हैं तो उन्हीं का जमी दोष होना चाहिए। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा जब इस तरह की बात आती है तो क्रिमिनल का नहीं साथ में और घर गिरते हैं, ये गलत। जो निर्दोष हैं उनका, हाँ अगर गलत ढंग से बना है मकान उनका, सरकारी जमीन के ऊपर है, तब तो उसको भी हटाना चाहिए। लेकिन उसमें न्याय होना चाहिए हर दृष्टि से कि गलत किसी के साथ नहीं। अच्छा ये बताइए, अपराधी जो होते हैं जब उनकी साख खुलती है, जब पता लगता है वो अपराधी है, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, सरकार तभी क्यों जो है बुलडोजर एक्शन लेता है? इससे पहले क्या होता है? प्रशासन क्या रिपोर्ट उस समय नहीं सौंप सकता कि ये अपराधी है? इसमें प्रशासन पूरी तरह से फेलियर है। अगर प्रशासन फेलियर ना होता तो ये घटना ना होती जो महाराजगंज में। ये जब बुलडोजर चलने जा रहा है उसमें हिंदुओं के मकान भी हैं, मुस्लिमों के हैं, इसको किस तरह से लेते हैं? और अगर बात की जाए अपराधी का, तो सिर्फ वो एक मकान है? नहीं, खाली उसी का होना चाहिए, बाकी किसी का नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में सबका हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। नहीं तो और भी सारे रास्ते हैं, क्या एक ही रास्ता यही है कि बुलडोजर चल जाए? भाई उसकी जमीन है, उसने खरीद रखा है, भले ही वो अपराधी है, उसका और भी रास्ता होना चाहिए। रास्ते तो बहुत से, दूसरा भी अपनाया जा सकता है रास्ता, उसको दंड देने का रास्ते तो कई हैं कानून में, अब मानने की बात है केवल इसमें। तो ये बहराइच जिले के लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बुलडोजर को लेकर बातें कर रहे हैं। एक साथी यहाँ पर और मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे बुलडोजर को लेकर, जो बाबा का बुलडोजर है उसको ये किस नज़रिए से देखते हैं। क्या नाम है आप? अजीम। अजीम जी मुस्लिम समुदाय से हैं, किस तरह से लेते हैं बाबा का जो बुलडोजर है, किस नज़रिया क्या है आपका देखने का? ये गलत है, जो बुलडोजर चलता है गलत है, जिसने जो भी किया तो पहले उसको आप सजा दीजिए। बाकी जो रहा सवाल कि करे कोई और भरे कोई और, ये करने को किया है एक आदमी ने, उसमें किस गए कम से कम 500 आदमी, ये गलत है, गलत। ये बहराइच जिले के लोग हैं, बहराइच की मेन मार्केट है, ये लोगों ने बुलडोजर को लेकर अपनी अपनी राय दी। अब ये देखने वाली बात होगी कि बुलडोजर को लेकर जो रणनीति है कब तक चलती है और इसमें क्या फेरबदल होती है। बहराइच के पीपल चौराहे से बिनू वाल्मीकि के लिए लोकल 18 के लिए रिपोर्ट।